हेलो रिहन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रोग्राम के स्टेटमेंट में देखते हैं हमारे पास क्या करिए। एक बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। रूट नोड उसकी हमारे पास गिवन होगी और एक की हमारे पास गिवन होगी इंटीजर। ये रहा हमारे पास की जो अपना है गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, उस BST में से एक सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करना है, ठीक है, गिवन की के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता क्या है। स्मॉलर एलिमेंट मतलब जस्ट स्मॉलर, अगर मेरे पास तीन है तो उसके जस्ट स्मॉलर क्या होगा, मेरे पास दो, ठीक है। वन भी हो सकता है अगर मेरे पास टू ना हो। जस्ट स्मॉलर मतलब बिल्कुल साथ वाला स्मॉलर, और ग्रेटर क्या, बिल्कुल साथ वाला ग्रेटर जो भी BST में प्रेजेंट हो उनमें से, ठीक है। वो होगा मेरे पास ग्रेटर, वो होगा मेरा सक्सेसर, और जो स्मॉलर होगा वो होगा मेरा प्रीडिसेसर, बिल्कुल ठीक है बात, ठीक है। तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर ये मेरे पास बीएसटी गिवन है, साथ में की गिवन है एट। एट से जस्ट स्मॉलर देख लो भाई, क्या फाइंड कर लो, कौन सा फाइंड होता है हमारे पास। जस्ट स्मॉलर मेरे पास सिक्स है भाई, ठीक है, सेवन तो है नहीं यहाँ पर, तो सिक्स हो गया, तो वो तो आ गया मेरे पास सिक्स। और अगर बात करें एट से जस्ट ग्रेटर है मेरे पास, दो ही एलिमेंट है, एक तो ग्यारह और एक दस, तो करीब कौन सा है दस, वो हो गया मेरा सक्सेसर। ये दोनों चीजें अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं कि भाई क्या इसकी अप्रोच बनने वाली है। और एक और चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, वॉइड है यहाँ पर आपको प्रीडिसेसर जो भी नोड जस्ट स्मॉलर होगी उसको प्रीडिसेसर में पुट कर देना है, और जो भी नोड जस्ट ग्रेटर होगी उसको सक्सेसर में अपना पुट कर देना है। ये बाय रेफरेंस अपने आप अपना मेन ब्लॉक में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वहां पर वैल्यू अपना जो है गिवन कोड है वो अपना प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जाते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो अपना ट्री गिवन है BST मैंने बना लिया, ठीक है, कि मेरे पास गिवन है भाई एट के लिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर ढूंढो, ठीक है। अब आपके माइंड में वही जैसा हमारे पास पिछला जो अपना POTTT था वही मेथड आ सकता है कि हम क्या करेंगे भाई, पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक है, पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, इससे जस्ट स्मॉलर ढूंढ लेंगे और एक जस्ट ग्रेटर ढूंढ लेंगे, ठीक है। हमें क्या मिला, अभी 10 मिला, तो ये इससे ग्रेटर है, तो हम जस्ट ग्रेटर में जो अपना सक्सेसर है उसमें भी 10 पर पॉइंट करा देंगे। प्रीडिसेसर मेरा भी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा भाई, इस पर आ गया, अब ये मेरा स्मॉलर है फिलहाल, जस्ट स्मॉलर इसी को ही मान लेते हैं अपना, तो ये मेरा पॉइंट कर गया भाई टू की तरफ। फिर मैं यहाँ पर, अब ये मेरा टू की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ मेरे को स्मॉलर मिल रहा है लेकिन आठ से दो ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू वन, तो हम इसको दो ही रहने देते हैं। फिर आए हम यहाँ पर पांच पर, ये आठ से छोटा है लेकिन दो से बड़ा है, इसका मतलब पांच ज्यादा करीब है आठ के एज कम्पेयर टू दो, तो ये हम पी को यहाँ पर पॉइंट कर दिया हमने, ठीक है, ये लाइन काट दी। फिर आए तीन पर, भाई पांच ज्यादा करीब है तीन से, ठीक है। तो आए छह पर, छह ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू फाइव। फिर आए फोर पर, ठीक है, ये तो मैं रैंडमली किसी पर भी नोड पर आ जा रहा हूँ, आप कोई भी अपना इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर कोई भी ट्रैवर्सल आप अपना लगा लोगे इस पर, ठीक है, वो अपना पूरा ट्री ट्रैवर्स हो जाएगा। फिर आए आप फोर पर, तो सिक्स ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू फोर। प्रीडिसेसर तो मेरा यही हो गया। अब इलेवन बचा था, इलेवन को आपने ट्रैवर्स करा, इलेवन एट से ग्रेटर है लेकिन करीब आठ के कौन है, दस ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू इलेवन, ठीक है। तो प्रीडिसेसर भी आपका निकल गया, सक्सेसर भी आपका निकल गया, आप इनको पुट भी आपने कर दिया है, ठीक है, तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका प्रिंट हो जाएगा छह और दस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते इस मेथड को, इस मेथड की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, वही अपनी हम हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन। फेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो अपनी रिकर्सिव कॉल है वो कैसे जाएगी, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी अपनी, जितनी हमारी ट्री की क्या है हाइट, ठीक है, तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस अपना कितना यूज होगा जितनी हमारी ट्री की हाइट है, तो ऑफ एच, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं इसको फर्दर हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पर हमारे पास की है आठ ही, ठीक है। अब मेरे को प्रीडिसेसर और सक्सेसर अपना निकालना है, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रीडिसेसर की। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, प्रीडिसेसर की बात कर रहा, स्मॉलर चाहिए, ये मैंने क्या चेक करा भाई, दस ग्रेटर है आठ से, मेरे को चाहिए स्मॉलर और जस्ट स्मॉलर, ठीक है। क्या मेरे को इसके राइट पोर्शन पर जाने की जरूरत है, कोई नहीं, क्योंकि राइट पोर्शन पर तो और ग्रेटर ही मिलेंगे, स्मॉलर तो मिलने से रहा क्योंकि ये खुद ग्रेटर है, इसके राइट पोर्शन पर इससे भी ज्यादा ग्रेटर पड़े होंगे, जहां पर जाने का मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं इसके लेफ्ट पोर्शन पर मूव कर जाऊंगा। मैं लेफ्ट पोर्शन पर मूव करा, मैंने देखा टू लेस है एट से,
फिर डिसेसर में पुट कर दो टू को, फिर डिसेसर में पुट हो गया मेरा टू। अब मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, टू के लेफ्ट में जाना या टू के राइट में जाना, ठीक है। अब मेरे को ऑप्टिमली क्या, ऑप्टिमल मेरा क्या चूज करना रहेगा वो देखते हैं। टू के अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, टू के लेफ्ट में हमेशा उससे स्मॉलर पड़े होंगे एज हमारे पास BST गिवन है। अगर स्मॉलर पड़े होंगे, अब टू मेरे को खुद एट से स्मॉलर मिल चुका है, क्या मेरे को उससे नीचे और स्मॉलर पे जाने की जरूरत है? अब मेरे को जस्ट स्मॉलर चाहिए, मतलब स्मॉलर और जितना करीब हो सके उतना हो। अगर मैं टू के लेफ्ट पर जाता हूँ तो मेरे को स्मॉलर तो मिलेंगे आठ से, लेकिन वो एज कम्पेयर टू टू और ज्यादा, उनका डिस्टेंस आठ से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जाने की मेरे को लोड नहीं है। मैं मूव कर जाऊंगा इसके राइट पोर्शन पर, मैं चेक करूंगा, हाँ भाई मेरे को फाइव मिला है। ऑब्वियसली टू से मैं उसके राइट पोर्शन पर आया हूँ, तो टू से तो ग्रेटर ही होगा उसके राइट पोर्शन पर। अब ये फाइव जो है मेरे पास टू से ग्रेटर है, एट से छोटा है, ठीक है, तो प्रीडिसेसर मेरा हो गया फाइव। अब देखो फिर वही बात आती है, प्रीडिसेसर मेरे को फाइव मिल गया, इसके लेफ्ट में मेरे को जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना करीब हो सके उतना करीब ढूंढना है। लेफ्ट पर जाएंगे तो और ज्यादा दूर मिलेगा, लेफ्ट पर मूव नहीं करते भाई, मूव कर जाएंगे इसके राइट पर, राइट पर मूव करें, छह भी स्मॉलर है, प्रीडिसेसर हो गया मेरा छह, बस बात खत्म, ये आ गया मेरा प्रीडिसेसर। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, यहाँ पर दोबारा से ए ट्री में अपना बना लिखता हूँ, सेम काम हम करेंगे अपना सक्सेसर के लिए भी, ठीक है, फाइव थ्री फोर सिक्स, ठीक है। अब बात आती है सक्सेसर की, यहाँ पर आए ग्रेटर मिला, ठीक है, ग्रेटर मिला भाई, सक्सेसर हो गया मेरा टेन। अब क्या इसके राइट पोर्शन पर मेरे को जाने की जरूरत है, ठीक है, सोचो क्या इसके राइट पोर्शन पर जाने की जरूरत है, इसके राइट पोर्शन पर इससे ज्यादा ग्रेटर होंगे, ये खुद एट से ग्रेटर है, तो जो इसके राइट पोर्शन पर होंगे वो तो एट से और ज्यादा ग्रेटर होंगे, डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो राइट पोर्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट पोर्शन पर मूव कर जाएंगे। लेफ्ट पोर्शन पर गए, देखा दो, दो स्मॉलर है एट से, हमें चाहिए भाई ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, तो दो के लेफ्ट में जाने का तो हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दो के लेफ्ट में उससे भी स्मॉलर पड़े होंगे। दो के राइट में जाकर देखो क्या एट से कुछ ग्रेटर करीब उसके मिलता है या नहीं, ठीक है, फाइव पर आए, फाइव स्मॉलर है, इसके लेफ्ट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं, इसके राइट में मूव करो। सिक्स पर आए, सिक्स स्मॉलर है, इसके लेफ्ट में जाने का कोई बेनिफिट नहीं, राइट में मूव करोगे आपको नल मिलेगा, बात खत्म। सक्सेसर आया अपना टेन, सक्सेसर में अपना टेन पुट हो जाएगा, ठीक है, वो भी अपना प्रिंट हो जाएगा, प्रीडिसेसर में अपना सिक्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बनकर आने वाली है, हम सिर्फ एक साइड मूव कर रहे होंगे या तो लेफ्ट या राइट, तो मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, जितने मेरी ट्री की हाइट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है जीरो ऑफ एच, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर हम रिकर्शन यूज करके काम करते हैं जैसे कि हमने अपने पिछले कोड में करा था, तो हमारी ओ एफ एच लगने वाली है, मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे, ठीक है, और अगर हम इसको इटरेटिव मेथड से कर ले तो हमारी ये ओ एफ एच भी नहीं लगेगी, वो लगेगी हमारी ओ एफ वन, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मैंने आपको अप्रोच बताई उसको जाकर करते हैं कोड। अब यहाँ पर मेरे पास रूट भी गिवन है, प्रीडिसेसर सक्सेसर मेरे को पुट करना है, और की भी अपनी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपना, मैंने आपको बताया प्रीडिसेसर निकाल लेते हैं, उसके बाद सक्सेसर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेरी नोड अपनी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने रूट को लॉस्ट ना करें, ठीक है। जब तक मेरी जो टेम्परेरी नोड है वो नल के इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल टू नल लिख दो, चाहे ऐसे छोड़ दो, सीपीयू में चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो मेरे पास रूट का डाटा लेस देन या इक्वल हो, या फिर मेरे पास रूट का डाटा ग्रेटर देन या इक्वल हो, ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं। चलो भाई दोनों ऑप्शनों को अपना कर लेते हैं। अब प्रीडिसेसर में मेरे को जो स्मॉलर है, करीबी स्मॉलर है, वो निकालना है, ठीक है, तो ग्रेटर का तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इफ मेरे को ऐसा मिलता है टेम्प का, जो अब देखते हैं ऊपर मेरे पास की गिवन है या की गिवन है, ठीक है, डाटा की जगह अगर टेम्प की जो की है वो मेरे पास ग्रेटर देन या इक्वल है किसके भाई, की के, तो क्या कोई बेनिफिट है नहीं, और उसके राइट में जाने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि राइट में और ज्यादा ग्रेटर मिलेंगे, तो लेफ्ट में मूव कर जाओ, ठीक है, टेम्प का मूव कर दो भाई टेम्प के लेफ्ट में, ठीक है। अब आता है अपना एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में मेरे पास क्या मिलेगा, जो टेम्प की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन, लेस देन है, तो उसको पुट कर दो प्रीडिसेसर में, प्रीडिसेसर में पुट कर दो टेम्प को, ठीक है। अब लेस देन है तो मैंने आपको क्या कहा था, उसके लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में लेस तो मिलेंगे लेकिन वो और ज्यादा दूर हो जाएंगे, ठीक है, राइट में मूव करके देखो और कोई लेस मिलता है नहीं, वो और थोड़ा गरीब आ जाएगा, तो टेम्प को मूव कर दो भाई टेम्प के राइट में, ठीक है। ये काम आपका क्या कर देगा, प्रीडिसेसर निकाल देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प को दोबारे रूट पर सेट करना है, क्योंकि वो नल हो चुका है, ठीक है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस कोड को बस कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अब हम सक्सेसर निकाल रहे हैं,
मतलब लेस देन या इक्वल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे को लेस देन या इक्वल मिलता है तो उसके लेफ्ट में जाने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि और लेस मिलेंगे। अब मेरे को चाहिए ग्रेटर, तो मैं मूव करूंगा उसके राइट में। एल्स में मैं, अब मैं सक्सेसर ढूंढ रहा हूं, तो सक्सेसर मेरे पास एस यू सी गिवन है, सक्सेसर में पुट कर दूंगा टेम्प के लेफ्ट में अपना जो है मूव कर जाऊंगा, ठीक है। एल्स मेरा कब चलेगा, जब मेरे को वैल्यू ग्रेटर मिलेगी, ठीक है। वैल्यू ग्रेटर मिलेगी तो उसके राइट पोर्शन में मूव करने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट पोर्शन में ग्रेटर मिलेगी लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उन दोनों के बीच, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन में इसलिए मूव करेंगे और सक्सेसर में अपना पुट करते चलेंगे। लास्ट में रिटर्न करने की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। आप क्या करते हैं भाई, इसको एक बार चलाकर अपना देख लेते हैं क्या बनता है इसका हिसाब किताब। सही चल रहा है भाई, इसको सबमिट करते हैं फिर लिखते हैं इसका जावा कोड। ये वो सबमिट, अब चलते हैं गाइस इसके जावा कोड की तरफ। अब जावा में हमारे पास जो है प्रीडिसेसर सक्सेसर यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन ऊपर आप मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैटिक अपने डिक्लेयर है, ठीक है। ये रहे अपने लाइन नंबर 86 में, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनको उठा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं, अब सबसे पहले नोड टेम्प बना लेते हैं, उसमें रूट पुट कर देते हैं। जब तक मेरा टेम्प नोट इक्वल टू रहता है नल, ठीक है। प्रीडिसेसर सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो प्रीडिसेसर मतलब स्मॉलर वाला। तो इफ जो टेम्प का डाटा है, यहाँ पर डाटा है की जगह, ग्रेटर देन इक्वल है किसके, की के, तो कोई बेनिफिट नहीं है भाई। लेफ्ट में मूव कर जाओ, हमें स्मॉलर चाहिए, ठीक है। बेनिफिट नहीं है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट मूव कर गए, वरना हमें क्या करना है। अब इसका मतलब मेरे को स्मॉलर मिल रहा है, स्मॉलर मिल रहा है तो प्री में पुट कर देंगे क्या भाई टेम्प, ठीक है। अब स्मॉलर मिल रहा है तो उसके लेफ्ट में मूव करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि और ज्यादा स्मॉलर मिलेंगे। हम मूव करेंगे राइट में टेम्प को, टेम्प temp टेम्प डॉट राइट सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टेम्प मेरा नल हो चुका होगा, उसमें दोबारा रूट पुश कर देंगे, क्योंकि हमें सक्सेसर भी निकालना है। इसको भाई कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आकर कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है जी। ये अपना सब चल जाएगा, बस कुछ नहीं। अब हमें ग्रेटर चाहिए, तो लेस वाले का हमारे पास कोई काम नहीं है। लेस मिलता है तो लेफ्ट में तो और ज़्यादा लेस मिलेगा, तो राइट में मूव कर जाओ। सक्सेसर निकाल रहे हैं तो एस यू सी और मूव कर जाओ भाई अपना लेफ्ट में। अब क्या करते हैं, इसको भी चलाकर और सबमिट कर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं चल रहा है गाइस, इसको करते हैं सबमिट। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।